एक घंटे समय खराब करने से आपका उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन वही एक एक घंटा एक एक घंटा एक एक घंटा छोटा छोटा समय खराब करके ना एक बड़ा फेलियर दिखेगा। हर एक छोटा छोटा एफर्ट्स काउंट होता है और वही एक बड़े रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो प्रोसेस में जितना छोटा छोटा एफर्ट्स, जितना आप संघर्ष और मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। छोटा 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 जो समय खराब कर रहे हो, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन और छोटे छोटे अपने इंस्टेंट सेक्रीफाइस नहीं करने की वजह से, डेविएट हो जाने की वजह से जो एक बड़ा फेलियर मिलेगा वो बहुत दूर है। आप एक अपना घटिया सा प्लान बनाएंगे और उस घटिया से प्लान में भी बैकलॉग बना के बैठ जाएंगे, समझ रहे हो? लेकिन आप एग्जाम के चक्कर में ही आप ज्यादा पढ़ेंगे, तो आप इन एग्जाम्स को अब सीरियसली लीजिए। तुम जिस सिचुएशन में हो, जितने मर्जी तुम्हारे बैकलॉग इकट्ठा हो गए हैं, अभी से चालू करो वापस से पढ़ाई करना बेटा, क्योंकि अभी तुम बेटा अभी अगर नहीं पढ़ाई करोगे फिर 2 महीने और निकल जाएंगे। तुम भूलोगे बेटा, ह्यूमन नेचर है यार, भूलोगे ही, ऑब्वियस ही बात है। तो जिस चीज को पढ़ा ही नहीं है, जिस चीज को पढ़ा ही नहीं है बेटा, उसका क्या? आज से स्टार्ट करो। ये जो बात बोली जाती है ना बेटा, जब जागो तब सवेरा, वो सच बात है, जब जागो तब सवेरा। मैं तो ये मानती हूँ जिस दिन से स्टार्ट करो उस दिन से पढ़ाई तुम अगर अच्छे से करोगे तो कर सकते हो। आप जब अपनी सक्सेस की कहानी कहोगे, मतलब जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप अपनी कहानी कहोगे बताओगे, तो लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी। और एक बहुत जरूरी चीज होती है परसिस्टेंट। परसिस्टेंस का मतलब होता है टूटना नहीं है। मैं जैसे वाटर कॉलम तो टूट जाता है, तुम्हें नहीं टूटना, मेहनत करें। मेहनत का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो हो सकता है तुम्हें खुद से भी उम्मीद ना हो, घर वालों को तुमसे उम्मीद ना हो, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लगातार मेहनत करो। बैकलॉग जो हुआ है बेटा, देखो अब बैकलॉग के चक्कर में तुम प्रेजेंट सिलेबस अगर नहीं पढ़ोगे तो वो सबसे खराब चीज है बेटा। वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ इज कि बैकलॉग पढ़ने के चक्कर में करंट सिलेबस ना पढ़ो, क्योंकि करंट सिलेबस भी बन जाएगा बैकलॉग, और वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। भले ही तुम्हें बैकलॉग पढ़ने का थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, इट्स ओके। तो ये टाइम भी तो कुछ ही महीने का है, इसमें जितना ज्यादा बेटा दबाव झेल जाओगे, जितना ज्यादा खुद को संभाल जाओगे तो हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, ठीक है? अगर वो दबाव आप झेल गए तो ठीक है ना, वो समय भी आएगा जब बेटा, मतलब उस कहते हैं ना कि रात है तो सुबह आएगी ना, तो वो कितनी भी काली। सफलता मिलता है लेकिन लगातार अपने ऊपर भरोसा रख के और संघर्ष करने से। अरे पाकिस्तान जब फाइनल में चला गया जिसका कोई उम्मीद नहीं था कहीं से भी, सोचो कितनी बड़ी बात है। और हर छोटे छोटे एफर्ट्स काउंट होते, करते तो जाओ। इंस्टेंटेनियसली रिजल्ट सबको चाहिए, काश मिल जाता, नहीं मिलता, समय लगता है। तो तुम ये सोच के चलो कि यार जो चला गया वो चला गया, उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, टाइम जो बीत गया वो बीत गया, है ना? एटलीस्ट जो मेरे पास टाइम है मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज अगर करूं तो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स को बैकलॉग में कन्वर्ट नहीं करूंगी, ठीक है ना बेटा? तो वो चीज कभी मत करना। प्रेजेंट सिलेबस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसको बैकलॉग नहीं बनाना है बेटा। थोड़ा सा गैप होता है 11th और 12th के स्टार्ट होने में, हमेशा गैप मिलेगा, उस गैप में भी तुम थोड़ा सा सिलेबस कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सब इकट्ठा होता जा रहा, मतलब वो बोल भी आता है कि सर हाँ, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लास्ट में फिर आने भी लगा था। तो कैसे कर सकते हैं अभी बेस्ट, तो आप समझ सकते हो, क्लियर है? अभी तो लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, डीपीपी सॉल्व करनी है। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट इट, इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ यू हैव यू नो प्रोग्रेस्ड थ्रू योर एंटायर जर्नी, हाउ वाज योर कंसिस्टेंसी एंड हाउ यू एंड इट। देयर इज नो मोटिवेशन बेटर देन बेटर योर ओन रिजल्ट्स। आपके खुद के रिजल्ट्स आपको मोटिवेशन देंगे, और वो रिजल्ट्स अच्छे बेटा तभी आएंगे जब आप सच में कंसिस्टेंसी में। बोलती हूँ ना बेटा, स्टार्ट करना किसी भी चीज को बहुत आसान होता है, तो अभी से शुरू करो, और अभी से शुरू करोगे तो बेटा व्हाई नॉट, कुछ भी हो सकता है बेटा, यू हैव गॉट इनफ टाइम।